नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित चांदपुर की, जहां फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को तहरीर दी। बता दें कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित अभिनेत्री कंगना रनौत ने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के साथ एक इंटरव्यू में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सन 1947 में भारत को आज़ादी भीख में मिली है, जिससे संपूर्ण देशवासियों को गहरा आघात पहुंचा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने कोतवाली परिसर पहुंचकर थाना प्रभारी निरीक्षक को तहरीर देकर कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थी उदय त्यागी माइकल का कहना है, मेरा नाम माइकल त्यागी है और मैं जिला बिजनौर का निवासी हूँ। पद्मश्री अवार्ड जिन्हें दिया गया है कंगना रनौत, अभिनेत्री कंगना रनौत, उनका जो भद्दा बयान अभी आया है, जो उन्होंने न्यूज़ चैनल के सामने दिया है कि आज़ादी हमें भीख में मिली है, तो ये एक भद्दा बयान उस व्यक्ति के द्वारा बोला जा रहा है जिसे पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये बहुत ही देश के लिए शर्म करने वाली बात है। जो शहीद हुए हैं माननीय शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या और भी जो हज़ारों लाखों स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता की आज़ादी में शहीद हुए हैं, ये उन सब की इस तरह की जो बयान ये दे रहे हैं, ये उनकी शहादत को शर्मनाक करने वाली हरकत है। मैं चाहता हूँ और हम सारे साथी और पूरा देश इस बात से दुख हुआ है, पूरे देश को इस बयान पे ठेस पहुँची है, और अपनी तरफ से मैं FIR दर्ज कराने आया हूँ। हमारी तहरीर ले ली गई है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे FIR दर्ज हो और इनके खिलाफ एक्शन हो, इन्हें जेल में डाला जाए और इनका पद्मश्री अवार्ड वापस लिया जाए। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।